चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रीडिंग ऑफ अ मीटर इन द सर्किट शोन विल बी, देखो ये एलसीआर सर्किट है, अगर ध्यान से देखो, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, और वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर को लगाया गया है कैपेसिटर और इंडक्टर के पैरेलल में, ठीक है, और अमीटर है सीरीज में, तो ऑब्वियस, और एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल है, यानी रेजोनेंस का केस है, रेजोनेंस का केस है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो वीएल इज इक्वल टू वीसी। अगर यहाँ वोल्ट मीटर के रीडिंग पूछता तो जीरो होती, क्योंकि दोनों का फेज अलग अलग होता, अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो जीरो हो जाता, लेकिन आप पूछ रहा है अमीटर का, तो अमीटर की रीडिंग अगर निकालें तो वी अपॉन जेड होगी। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 110 वोल्ट है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दें 110 वोल्ट डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि जनरली एलसीआर सर्किट में जेड इज इक्वल टू होता आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रेजोनेंस का केस है, इसलिए एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर, इसलिए जीरो हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू है कितनी, आर की वैल्यू 55, सो 55 ओम, ये वैल्यू यहाँ रख दें 55, तो 110 डिवाइडेड बाय 55 आएगा 2 एम्पियर, तो करंट की रीडिंग जो यहाँ पर शो करेगी 2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट, ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,